नेक्स्ट पेज पे आ गए पेज नंबर 20 पे। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है ना स्टूडेंट्स, आप लोग भी स्टोरी को वापस से पढ़ेंगे। शी टॉक्ड एंड प्लेड विद द स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज अंटिल टी टाइम। अब जब तक शाम का टी टाइम नहीं होता है तब तक क्या करती है वो स्क्विरल्स और बटरफ्लाइज के साथ खेलती है। जस्ट एज द फ्लॉक्स ड्रॉप फोर अवे वेंट द शूज ओवर द पोल द हिल एंड द रोड टिल किटी रीच्ड होम। अब जब तक के शाम के चार बजते हैं तब तक क्या हो जाता है, जूते शूज़ जो मैजिक शूज होते हैं वो अपने आप पुल के उस तरफ चले जाते हैं, द हिल एंड द रोड और हिल और रोड दोनों के पार हो जाते हैं और उस टाइम तक किटी क्या है अपने घर पहुंच जाती है। द सन विल सून सेट आई मस्ट स्किप व्हाइल आई कैन थॉट किटी वंस टी वॉज डन। अब जैसे ही चाय का समय पूरा हो उसके बाद में उसे लगता है कि अब सन जो है सूरज जो है वो अस्त होने वाला है इसलिए मुझे जल्दी से अभी अपने घर पर होना चाहिए। शी वॉल्ट्स अराउंड द लॉन सो प्रीटिली दैट हर मदर एक्सक्लेम्ड शी शैल गो टू द डांसिंग स्कूल। अब जैसे ही उसने फटाक से लॉन के अंदर कदम रखा ही था और बड़ी खुशी से बहुत सुंदर तरीके से उतने में ही उसकी मम्मी ने उससे कहा कि अब उसे डांसिंग स्कूल जाना है। किटी स्किप्ड ऑन हॉपिंग टू लर्न सम ग्रेसफुल स्टेप्स बिफोर द डे वॉज डन। अब इस तरह उसका दिन पूरा होने से पहले उसने वापस से क्या किया वो जाकर ग्रेसफुल थिंग्स यानी कि डांसिंग वाले स्कूल भी जाकर आती है और उसको भी इंजॉय करती है। फाइनली हर मदर कॉल्ड स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड। उसके बाद उसकी मम्मी ने बोला कि चलो बेटा अब सब बंद करो और चलो अब बेड पे जाओ सोने जाओ। अ फ्यू मिनट्स मोर बिगन किटी बट वॉज ऑफ लाइक ए फ्लैश इन टू द बेडरूम। अब कुछ ही मिनट के बाद में किटी ऐसी दिख रही थी जैसे वो बेडरूम में तुरंत वो पहुँच गई फ्लैश और उसके बेडरूम में अब वो सोने की तैयारी में। सून द सन वॉज गॉन एंड द शूज बिकेम कॉमन वंस। अब दिन पूरा ढल गया सूरज अस्त हो गया और उसके जो जूते रहते हैं वो अब नॉर्मल जूतों की तरह हो गए कॉमन शूज बन गए। फॉर मिड समर डे वॉज ओवर क्योंकि मिड समर डे जो था वो पूरा हो चुका था ख़त्म हो चुका था। अब आंसर ओरली में देखिए दिया हुआ है व्हाई वाज किटी इन हर बेडरूम इन अ फ्लैश। किटी अपने बेडरूम में फ्लैश की तरह क्यों थी बिकॉज उसको अब क्या हो रहा था उसके जूतों का जादू ख़त्म होकर दिख रहा था। किटी नेवर फॉरगेट द लेसन शी हैड लर्न। किटी ने ये जो लेसन सीख लिया था वो कभी भी नहीं भूली। शी रैन एरेंड्स विलिंगली रिमेंबर्ड द प्रिटी स्टेप्स एंड ऑफन थॉट ऑफ द इंटरेस्टिंग क्रीचर्स इन द फेरी लैंड। किटी को हमेशा ये याद रहा कि उसकी जो इच्छा थी फेरी लैंड जाने की वो इच्छा भी उसकी पूरी हो गई और वहाँ पर उसने कितने इंटरेस्टिंग क्रीचर्स यानी कितने इंटरेस्टिंग छोटे छोटे जीवाणुओं को कीटाणुओं को देखा था और उनके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। वेन एवर शी वॉज अलाउड टू प्ले विद दैम शी हरीड अवे क्विकली एज इफ शी स्टिल वोर द मैजिक स्किपिंग शूज। अब इसके बाद से जब भी उसे उन छोटे छोटे जानवरों से मिलने का मन होता था तो वो खुद ही दौड़ते उछलते कूदते वहाँ पे पहुँच जाती थी उनसे मिलने के लिए ऐसा ट्रीट करती थी जैसे अभी भी उसने अपने वही स्किपिंग शूज़ पहन रखे यानी स्किपिंग शूज़ ने उसे अब चलना फिरना दौड़ना सब कुछ सिखा दिया था समय का पाबंद बना दिया था। अब ये स्टोरी किसने लिखी थी लोइसा मे एल्कॉट ने। मैसेज क्या ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन हेल्पिंग अदर्स। हमेशा ट्रू हैप्पीनेस किस में होती है दूसरों की मदद करने में। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें सच्चे मन से खुशियाँ मिलती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा आई होप। थैंक यू।